नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं हिंदी फिल्मों के पहले स्टार राइटर पंडित मुखराम शर्मा की बात करूंगा। आज उनका पुण्य दिवस। उन पर विस्तार से बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जो नीचे दिया गया है वहाँ जाएँ और मेरे सपोर्ट में आएँ। और आप चाहते हैं कि अगर ऐसे शोधपूर्ण जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास आते रहें तो हमारे साथ चलें। तो पंडित मुखराम शर्मा मेरठ से आए थे। मेरठ के पुठी गांव के वे रहने वाले थे और उनकी पढ़ाई लिखाई मेरठ में हुई थी। उन्होंने संस्कृत और हिंदी की शिक्षा ली थी और बाद में इसी के शिक्षक बन गए थे। लेकिन उनका शिक्षण में ज़्यादा मन नहीं लगता था, पढ़ाने में मन नहीं लगता था। वे कहानियाँ लिखते थे और यही सोच करके उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। उनको प्रभात फिल्म कंपनी और न्यू थिएटर्स की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वे सन 1939 में अपने एक दोस्त के साथ, जो कि मेरठ के ही रहने वाले थे और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, उनके साथ मुंबई आ गए। दरअसल उन्होंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई, अपनी एक कहानी सुनाई और उससे उनके दोस्त इतने प्रभावित हुए कि वे लेके मुंबई आए। लेकिन मुंबई में उन्हें काम नहीं मिला और फिर उन्हें पुणे जाना पड़ा। पुणे में जाकर उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी में 40 रुपये की नौकरी की, जहां उनका मुख्य काम मराठी भाषा सिखाना और कलाकारों के उच्चारण को सही करना था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं उनके बारे में। बताते हैं कि जब उनकी औलाद हिट हो गई, उसके बाद से उनके यहाँ ये स्थिति बन गई थी कि देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको फ़ोन किया करते थे, उनसे जानना चाहते थे कि वे अगली फिल्म कौन सी लिख रहे हैं। जैसे ही वे बताते थे कि मैं फलां निर्माता की फलां फिल्म लिख रहा हूँ, उसके बाद बताते हैं कि रातों रात वह फिल्म बिक जाती थी। और यही वजह है कि उनके घर के आगे निर्माताओं और वितरकों की कतार लगी रहती थी और सब ये जानने को उत्सुक होते थे कि वे अगली फिल्म कौन सी लिखेंगे। उनके जीवन का एक रोचक प्रसंग यह भी है कि उन्होंने साधना की कहानी लिख ली थी और साधना की कहानी वे चाहते थे कि बिमल राय उसे निर्देशित करें, क्योंकि बिमल राय की फिल्म में सुजाता और बंदनी वगैरह वे देख चुके थे। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी कहानी के साथ भी वे न्याय कर सकते हैं। बिमल राय ने उन्हें बुलाया और दोनों कार में बैठे। कार में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई बिमल राय को। बिमल राय ने पूरी तन्मयता के साथ कहानी सुनी और राजी हो गए कि हाँ, ये फिल्म मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि फिल्म में वैजयंती माला को लेना है और वैजयंती माला को अगर हम लेते हैं तो फिल्म का जो अभी अंत है वह शायद दर्शकों को स्वीकार नहीं होगा। आप सभी जानते होंगे जिन्होंने साधना देखी है कि उस फिल्म में फिल्म की नायिका एक वेश्या है और जो घर की बहू बनती है उसे परिवार में स्वीकार किया जाता है। बिमल राय चाहते थे कि इस कहानी का अंत बदल दिया जाए और चूंकि इस तरह की कहानी पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी, उसे मंजूर नहीं होगा, तो इसका अंत करते हुए उन्हें मार दिया जाए। पंडित मुखराम शर्मा ने गाड़ी रुकवाई। बिमल राय को लगा कि वे शायद नेचुरल कॉल के लिए बाहर निकले होंगे, लेकिन उन्होंने पंडित मुखराम शर्मा ने उनको बाय बाय किया और वहाँ से निकल गया और जाके सीधे बीआर चोपड़ा के यहाँ पहुँचे और बीआर चोपड़ा को उन्होंने अपनी यह कहानी सुनाई। बीआर चोपड़ा ने एज इट इज़ फिल्म बनाने की सहमति दे दी और चोपड़ा के साथ तो उनका एसोसिएशन बहुत लंबा रहा। धूल का फूल भी उन्होंने लिखी थी, उसके बाद साधना भी लिखी और फिर बाद में तो उनकी कई फिल्में ऐसी रहीं जिसके निर्माता बीआर चोपड़ा ही थे। बीआर चोपड़ा का जो राइटर रूम था वहाँ पंडित मुखराम शर्मा बैठा करते थे और ऐसा कहते हैं कि रोज़ाना 9:30 से 12:30 तक उनका काम सिर्फ लिखने का होता था। रोज़ाना नियमित रूप से 3 घंटे लिखते थे पूरे अनुशासन के साथ। मैं बात करूँ उनके फिल्म कैरियर की तो पुणे में इसकी शुरुआत होती है। पुणे में उन्होंने पहले एक आध फिल्मों के गीत लिखे, बाद में राजा लेने के साथ उन्होंने 10 बजे नाम की फिल्म के संवाद और गीत लिखे।
यह फिल्म ठीक ठाक चली थी। इसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र तारामती, नल दमयंती, विष्णु भगवान जैसे माइथोलॉजिकल फिल्में लिखी। फिर बाद में उन्होंने तय किया कि नहीं, अब सामाजिक विषयों पर मुझे फिल्म लिखनी है। राजा नेने ने उन्हें मौका दिया लेकिन यह फिल्म नहीं चली। और बाद में दत्ता धर्माधिकारी के साथ उन्होंने एक काम किया जो स्त्री जन्म तुझी कहानी, यह नाम था फिल्म का, मराठी में बनी थी यह फिल्म। और बाद में औरत तेरी यही कहानी नाम से हिंदी में बनी। इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई और यहाँ उनको अपने मन का काम करने का मौका भी मिला। इसके बाद पंडित मुखराम शर्मा मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने औलाद फिल्म लिखी और औलाद बहुत ही चर्चित फिल्म रही अपने समय की। और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का पहला पुरस्कार उन्हें मिला, लेखक का पुरस्कार। ऐसा बताते हैं कि फिल्म फेयर ने 1954 में शुरुआत की थी लेकिन लेखकों के लिए कोई श्रेणी नहीं थी पुरस्कार की, लेकिन पंडित मुखराम शर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने एक राइटर का भी अवार्ड निश्चित किया और यह पहला अवार्ड पंडित मुखराम शर्मा को मिला। पंडित मुखराम शर्मा की प्रमुख फिल्मों में अगर मैं नाम लूँ तो वचन, एक ही रास्ता, दुश्मन, साधना, संतान, दो बहनें, तलाक, धूल का फूल, समाधि, हमजोली। 1958 में एक फिल्म आई थी तलाक जिससे वे निर्माता भी बने। पंडित मुखराम शर्मा की तमाम फिल्मों में सामाजिक समस्याओं और सामाजिक टिप्पणियां रहती थी और यहाँ तक कि वे निदान भी बताया करते थे और अपनी फिल्मों में उस समस्याओं का समाधान भी करते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक ही रास्ता का नाम लूँ तो उसमें विधवा समस्या को डील किया गया था। वचन में कुंवारी बेटी की कहानी थी जो पूरे परिवार का खर्च चलाती है। सपने सुहाने में सौतेले भाइयों की कहानी थी। पतंगा में मालिक और नौकर के संबंधों को दिखाया गया था, उनके बीच जो रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसी प्रकार साधना की बात हमने की, साधना में एक वेश्या की कहानी थी और जो एक परिवार में आती है तो उसको बहुत गहरी संवेदना के साथ, एक खास अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने यह फिल्म लिखी थी और यह फिल्म अपने समय की काफ़ी मशहूर फिल्म रही। धूल का फूल हम सभी जानते हैं, अवैध बच्चे की कहानी थी और जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह फिल्म बहुत ही महत्व रखती है और एक ऐतिहासिक दृष्टि से दर्शनीय फिल्म है। हिंदी फिल्मों में पॉपुलर होने के बाद मांग इतनी बढ़ी कि वे दक्षिण के निर्माताओं के पास भी गए और दक्षिण में जाके उन्होंने पहले देवता नामक एक फिल्म की, फिर बाद में एलबी प्रसाद के साथ उनकी जोड़ी बनी जिसमें उन्होंने दादी माँ, जीने की राह, मैं सुंदर हूँ, राजा और रंग जैसी फिल्में की। फिर एबीएम के साथ उन्होंने दो कलियाँ और जेमिनी के साथ घराना और गृहस्थी जैसी फिल्में की। प्यार किया तो डरना क्या और हमजोली भी उनकी साउथ की फिल्में थी। अपने इन सारे कामों को करने के बाद बताते हैं कि उन्होंने लगभग 150 फिल्में की हैं हिंदी की। 150 फिल्में करने के बाद उन्होंने तय कर रखा था कि जैसे ही मैं 70 साल का होऊंगा मैं फिल्मों में लिखना बंद कर दूंगा और यही किया उन्होंने। वे यहाँ नहीं रुके, 70 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म का लेखन बंद किया और फिर उसके बाद वे अपने गाँव चले गए। कहते हैं 1980 के बाद उन्होंने कोई फिल्म लिखी, 100 दिन सास के उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। लेकिन वे 21 साल तक मेरठ में रहे उसके बाद और उन्होंने भरपूर अपना जीवन जिया और अपनी मिट्टी के साथ रहे, अपने परिवार के बीच में रहे और 29 अप्रैल सन 2000 में उन्होंने आंखें बंद कर ली। और अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो 29 मई 1909 को उनका जन्म हुआ था। तो ये रही बात पंडित मुखराम शर्मा की, लेखक पंडित मुखराम शर्मा की। आगे भी मैं इस तरीके से लेखकों की जीवनी लेकर के आऊँगा। हम सभी फिल्म स्टार्स, फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स के बारे में तो जानते हैं, फिल्मों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानियाँ नहीं जानते हैं। पंडित मुखराम शर्मा ने हिंदी फिल्मों के राइटर को स्टार स्टेटस दिलवाया था। उनके नाम आप साधना का पोस्टर देख लें,
साधना के पोस्टर में पंडित मुखराम शर्मा सबसे पहला नाम है, और क्रेडिट में कई बार उनको अलग से कहानी का क्रेडिट, पटकथा का क्रेडिट और संवाद का क्रेडिट, तीन तीन क्रेडिट मिलते थे अलग अलग। अमूमन लेखकों को पटकथा, कहानी और संवाद का एक साथ दे दिया जाता है। तो इतने मशहूर और दबंग किस्म के फिल्म राइटर रहे पंडित मुखराम शर्मा। मैं उनकी याद को, स्मृति को नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए प्लीज़ कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ चलें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।